नमस्कार, विराट के बखेली बुलेटिन में स्वागत है। हम अहम पूजा। किसान बिल सहित किसानी से जुड़े तमाम मांगन के निराकरण और केंद्र सरकार के साथ किसान मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व का एक भेजेगा पत्र के आधार पर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में चल रहे और रीवा में चलत रहे आंदोलन का समाप्त कीनगा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा टिकैत का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, किसान लड्डू खा सुना खा जी नगर परिषद मऊगंज के सीएमओ के साथ में कर्मचारी शुक्रवार का नगर में ही जागरूकता रैली निकाले और नगर का साफ सुथरा और स्वच्छ बनावे खातिर पॉलिथीन पर रोक लगावे खातिर रैली निकाले। यह रैली चाक मोड़ से होई के बस स्टैंड में समाप्त भय जौने माही लोगन से स्वच्छता खातिर अपील कीन गए और साथ में अधिकारी महेश पटेल यह कहें कि अगर पॉलिथीन के उपयोग करत कोनो दुकानदार पावा जाई और या फिर खुले में कचरा फेंकत पावा जाई तो उनका अर्थदंड से नवाजा जाई। डालेंगे और अपने नगर मऊगंज को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखेंगे। सार्वजनिक सूचना मऊगंज में ओडीएफ खातिर स्वच्छता के अभियान के प्रचार प्रसार जोर शोर से कराला हा नव पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल जेके खातिर उ दिन रात सक्रिय हा, लेकिन उनके स्वच्छता प्रभारी उपयंत्री अविनाश सिंह उनकर भ्रष्ट कार्य प्रणाली और स्वच्छता अभियान खातिर रोड़ा बन गए ही वे जेके लाने स्वच्छता अभियान सफल हो से कोसन दूर है। वही बीता दिना में अधिकारी पर स्वीपरन से अवैध वसूली करे के आरोप लगा रहा है। कलेक्टर रीवा के जांच के आदेश के बाद प्रशासक मामलन का दबाए रखे हम। रीवा माही पंचायतन में भ्रष्टाचार कितना चरम पर हबे यह तो आए दिन देखे का मिलत है, लेकिन भ्रष्टाचारी सरपंच और अधिकारियों के कलईयों समय खुल जाती जब चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जाए वाली आचार संहिता के उल्लंघन वो अपन तिजोरी भरे खातिर करा था। हम बात करीला है रीवा जनपद के पंचायत का जहां के भ्रष्ट कार्य प्रणाली के पोल खुल गए। अपना को बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरपंचन के द्वारा ग्राम पंचायतन से राशि निकाली जा रही है जो ने माही स्टेटमेंट। अगर आप इस पद पे हैं तो आपको तो उसके लिए बताना ही पड़ेगा ना मैडम। आचार संहिता लागू हो गई जिसमें आपकी 7 पंचायतों ने पैसे निकाल लिए हैं, तो आचार संहिता लागू होने के बाद मैम आप इसका जवाब तो दे सकती हैं ना। मैम बता सकती है ना, आप एक सीओ के पद पे हैं तो आप ये तो बता सकती हैं।
पुलिस के लगातार समझाइश के बाद मऊगंज में ही यातायात बिगाड़े पर आमादा व्यापारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन में ही SDOP शैलेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता और SI GS मिश्रा दल बल के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई शुरू करी है। जोने माही गुमती ठेला और दुकान लगाए के सड़क पर पूरा व्यवसाय फैलावे वाले दुकानदारों के ऊपर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही और उनका न्यायालय में पेश की गया है। आज यातायात को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हैं तो क्या है? देखिए रीवा के तमाम खबर आप बघेली में। नमस्कार।